पोजीशन सेंस यानी स्थिति का ज्ञान। पोजीशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कहाँ पर है, कौन आगे है, पीछे है, दाएं हाथ पे है, बाएं हाथ में है, बगल में है, बीच में है, किनारे है। तो ये पोजीशन के बारे में इस वीडियो लेक्चर में आपको जानकारी मिलेगी। ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन हो सकता है कुछ नई बातें आपको जानने को मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बगल में। जब हम किसी वाक्य में कहते हैं ना बगल में, राम मेरे बगल में है, तुम मेरे बगल में हो, तो बगल में के लिए आप किन किन प्रेपोजिशंस का यूज कर सकते हैं? आपके सामने है नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड या बाय। यहां पर आने वाले सभी प्रेपोजिशंस के बारे में मैंने आपको प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर्स में समझाया था, लेकिन एक बार फिर से हम इस चैप्टर में इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि पोजीशन सेंस के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो बगल में के लिए इन चारों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, वो राम के बगल में बैठा है, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम, या आप कह सकते हैं ही सिटिंग एडजेसेंट राम। यहां पर एडजेसेंट कहते हैं क्योंकि यहां पर डी साइलेंट होता है, ही सिटिंग एडजेसेंट राम। या आप कह सकते हैं ही सिटिंग बिसाइड राम, या आप कह सकते हैं ही सिटिंग बाय राम। इसी तरह से देखिए, आगे, आगे के लिए आप यूज करते हैं अहेड ऑफ, और पीछे के लिए आप यूज करते हैं बिहाइंड। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आपके आगे कोई बैठा है तो वो आपके अहेड ऑफ है, और अगर आपके पीछे कोई बैठा है तो वो आपके बिहाइंड है। एग्जाम्पल देखिए, अयांश अविरत के आगे बैठा है, अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत। और इसी बात को अगर मैं ऐसे कहूं, अविरत अयांश के पीछे बैठा है, तो मैं कहूंगा अविरत इज सिटिंग बिहाइंड अयांश। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके सामने सामने। सामने के लिए आप क्या यूज करते हैं? सामने क्या, फेस टू फेस। जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है, आपकी दुकान के सामने मेरी दुकान है, सामने का मतलब बिल्कुल फेस टू फेस। या तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं आप, या बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। वैसे बिफोर का एक मतलब और होता है पहले, लेकिन प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि बिफोर के अलग अलग मतलब है। यहां पर इन फ्रंट ऑफ का मतलब है सामने, और बिफोर का यूज भी आप सामने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अयांश अविरत के सामने खड़ा है, दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ है। अयांश इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अविरत, या मैं कह सकता हूं अयांश इज स्टैंडिंग बिफोर अविरत। तो इस तरह से मैं दोनों का यूज कर सकता हूं। अब देखिए दाईं ओर, जब हम कहते हैं ना दाईं ओर, तो दाईं ओर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? राइट टू, या फिर हम कह सकते हैं टू द राइट ऑफ। यहां पर जहां पर टू लगा है, जहां पर ऑफ लगा है, आप इनकी पोजीशंस को कभी भी बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट यही फॉर्मेशंस आपको यूज करना है। या तो आप कहेंगे राइट टू, या कहेंगे टू द राइट ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, वो यशी के दाईं ओर बैठा है, ही सिटिंग राइट टू यशी, या आप कह सकते हैं ही सिटिंग टू द राइट ऑफ यशी। और इसी तरह से बाईं ओर के लिए लेफ्ट टू, या फिर टू द लेफ्ट ऑफ। एग्जाम्पल है, वो यशी के बाईं ओर बैठा है, ही इज सिटिंग लेफ्ट टू यशी, या ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यशी। दोनों में से किसी का भी एक यूज आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, बगल में दाईं ओर। देखिए एक क्लास में अगर मैं कहूं आपके दाईं ओर कौन बैठा है, तो हो सकता है आपके दाईं ओर कई सारे लोग बैठे हों, चार पांच स्टूडेंट बैठे हों। तो अगर मैं पूछूंगा दाईं ओर कौन बैठा है, तो आप उन चारों के नाम लेंगे। हो सकता है कोई जस्ट आपके बगल में हो, लेकिन उसके बाद वाला भी तो आपके दाईं ओर है, तो मतलब वो आपके दाईं ओर ही है। लेकिन जब हम कहते हैं इमीडिएट राइट टू, तो इमीडिएट राइट टू का मतलब यह है कि दाईं ओर तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बगल में दाईं ओर। तो मान लीजिए आपके बगल में दाईं ओर राकेश बैठा है, राकेश के बाद सीता बैठी है। अगर मैं कहूं दाईं ओर कौन बैठा है, तो आप कहेंगे राकेश और सीता, क्योंकि दोनों आपके दाईं ओर हैं। लेकिन जब मैं कहूंगा बगल में दाईं ओर कौन है, इमीडिएट राइट टू, तो आपको नाम लेना होगा राकेश का, क्योंकि वो आपके बगल में दाईं ओर है। तो इमीडिएट का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। एग्जाम्पल देखिए, अयांश अविरत के बगल में दाईं ओर बैठा है, अयांश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अविरत। और इसी तरह से बगल में बाईं ओर, इमीडिएट लेफ्ट टू।
तो एग्जाम्पल है अयांश अविरत के बगल में बाईं ओर बैठा है, तो हम कहेंगे अयांश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू अविरत। इसी तरह से देखिए कंफ्यूजन अक्सर लोगों को होता है, इन फ्रंट ऑफ और अहेड में अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया सामने, फेस टू फेस, और अहेड का यूज हम तब करते हैं जब दूसरे व्यक्ति की पीठ आपकी तरफ हो, वो आपके आगे हो, तो आगे के लिए आप अहेड का यूज करते हैं। सोचिए आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, तो उसकी पीठ आपकी तरफ है इसलिए वो आपके आगे है, इसे क्या कहेंगे? अहेड ऑफ। इसे कहेंगे अहेड, और आप उसके पीछे हैं यानी बिहाइंड। और जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं है बल्कि आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं, इस स्थिति में वो आदमी आपके सामने है, सामने यानी इन फ्रंट ऑफ। तो इस तरह से इस कंफ्यूजन को आप बिल्कुल दूर करिए। इन फ्रंट ऑफ का मतलब तब है जब वो फेस टू फेस हो आपसे, और अहेड का तब मतलब है अहेड और बिहाइंड का, जब व्यक्ति आपके आगे है, आगे है तो अहेड और पीछे है हम तो बिहाइंड। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। अब देखिए सामने का यहां पर मतलब है सामने, फेस टू फेस बैठे हैं, टीचर सामने है, बच्चे सामने है उसके। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो मेरे बगल में दाईं ओर बैठी है, शी इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू मी। मसूद तरुण के आगे बैठा है, मसूद इज सिटिंग अहेड ऑफ तरुण। राम मयंक के बगल में बैठा है, राम इज सिटिंग एडजेसेंट मयंक, या आप कह सकते हैं नेक्स्ट टू मयंक, या आप कह सकते हैं बिसाइड मयंक। और बगल में के लिए मैंने एक और बात बताई थी आपको, बाय, आप कह सकते हैं राम इज सिटिंग बाय मयंक। शालिनी राम के बाईं ओर बैठी है, शालिनी इज सिटिंग लेफ्ट टू राम, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आप, शालिनी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। नितिन तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा है, बगल में बाईं ओर को क्या कहते हैं? इमीडिएट लेफ्ट टू। नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण।